फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप सभी लोग, होप सब से अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि हमारी खेतों के हाल बारिश के चलते कैसे बेहाल हो चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को अपनी सड़कों के हाल दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने हमारे पुराने व्लॉग्स में भी देखा होगा कि हम तौरी के पास पानी लेने जाते थे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तौरी के पास पानी लेने क्यों नहीं जा रहे हैं। तो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि तौरी का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, गंदा है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। उससे हमारी सेहत को भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को अपनी सड़क के हाल। और आप लोग देख सकते हैं कि लगातार बारिश के कारण कैसे हरा भरा सारे हो चुका है। ये देखिए चारों ओर, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं बारिश से कैसे ये सारे घास पड़ चुके हैं पुठे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं घर, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि इनके घर के जो है बाहर का इनका आंगन है, ये सारा कितना नीचे उतर चुका है और कैसे ये नीचे आ चुका है। और पेड़ों की जड़ें भी आप लोग देख सकते हैं कैसे बाहर निकल चुकी है, और अभी और भी ज़्यादा खतरनाक आप लोगों को तबाही दिखी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं चील का पेड़ भी पेड़ हो चुका है और ये कभी भी नीचे आ सकता है, और इससे आगे एक और चील का पेड़ है जो नीचे आ सकता है। तो ये देखिए, हमें भी इससे खतरा है जैसे गाड़ी। फ्रेंड्स, फाइनली वो नज़ारा देखने का टाइम आ चुका है। आप लोगों को मेरे से ज़्यादा आवाज़ पानी की लग रही होगी, नाले की लग रही होगी। तो ये देखिए, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितने खतरनाक तरीके से ये नाला यहाँ से आ रहा है। और इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ आप लोगों को अब दिखने वाली है। 1 2 3, ये देखिए, ये कैसे खतरनाक तरीके से नाला ऊपर से आ रहा है। और अब आप लोगों को दिखाते हैं पक्की सड़क के हाल कैसे हुए हैं, पक्की सड़क के हाल बेहाल। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी यहाँ जाने आई हुई है। ये पूरे खेत में ये सारा मलबा आ गया था, लेकिन जेसीबी आई, उसने ये सारी की खुदाई और ये ठीक कर पाई। तो ये देखिए, ये कितनी बड़ी बड़ी और ज़्यादा फिसल रहा है, वो मेरे जो टूट कर आप देख सकते हैं। तो बहुत ही खराब यहाँ पर है, ये देखिए। तो यहाँ सब चलते हैं नीचे और भरते हैं पानी। हम लोग पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा दूर है मतलब यहाँ से परे, और तब हम पानी। तो फ्रेंड्स, फाइनली टाइम आ चुका है पानी ले आने का, और चलिए अब चलते हैं और हम लोग जाएंगे इस रास्ते से। और यहाँ आप लोग, तो अब मैं अपना बर्तन धो लेता हूँ। और यहाँ पर हमने ये एक ही नहीं लगाया है, यहाँ पर दो दो लगाए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बड़ी पाइप भी है लगाई हुई, तो इसमें से हम इसे धो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आ रहा है पानी, आप लोग देख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ कोई पाइप जुड़ी होगी मतलब अंदर से ही, लेकिन ये बात नहीं है। आप लोग ये देख सकते हैं, ये पाइप मतलब ये पत्थरों में से खुद पानी आ रहा है। ये देखिए जैसे यहाँ से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी पाइप नहीं जुड़ी है, अब जुड़ेंगे। और जैसे यहाँ से आ रहा है, अगर आप लोग अभी भी नहीं मानते हो, तो ये देखिए, ये ऐसे पानी आ रहा है। और हमने बस यहाँ पर इतनी सी ये पाइप लगाई हुई है, ये इन पत्थरों से, ये पेड़ों की जड़ों से आ रहा है ये सारा पानी। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना नेचुरली पानी है, नेचुरल पानी है और कितना साफ पानी है। ये देखिए, पहले तो मैं इसे लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं घर में,
और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था बहुत बार कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जैसे टोकरी है। तो जैसे कि आप लोग फ्रिज में किसी बर्तन में फ्रिज में पानी रखते हैं और उस बर्तन में बाहर भाप जम जाता है, तो ये देखिए ये पानी इतना ठंडा है कि इसमें भाप जम चुका है। ये देखिए, ये देखिए कैसे ये भाप जम चुका है। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।